हम लोग आरती में गाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाते हैं ना। लेकिन अभी मिलना शुरू हो जाए तो आपके हम भी लेने ही चाहते हैं। कोई दे पैसा तो कौन नहीं ले, सब लेने के चक्कर में पड़े हुए। महात्मा जी ठंड का मौसम भयंकर ठंड एकदम 25 दिसंबर पार हो गया है और भिक्षा मांगने के लिए गए और इधर क्या हुआ, उनकी कुटिया में आग लग गई, कुटिया जलने लगी। अगल बगल के गांव वाले दौड़े दौड़े आए, कुटिया को बुझाना शुरू किया, कोई कंबल से, कोई पानी से, कोई किसी से, कोई किसी से बुझाने लग गए। किसी ने बोला भैया अंदर का सामान निकालो, कपड़े वगैरह निकालो जल्दी जल्दी। कुछ आदमी कुटिया के अंदर गए, कुछ आदमी ऊपर चढ़े, कुछ आदमी कुएं से पानी डालने लगे। थोड़ी देर बाद महात्मा जी पहुंचे, महात्मा जी को लोगों ने पकड़ा, बोले महात्मा जी आपकी कुटिया जल गई, बचा खुचा हमने ये 2-4-5 जोड़ी कपड़े बचा लिए, रजाई गद्दे बचा लिए, घर का छप्पर तो जल के स्वाहा हो गया। महात्मा जी ने बोला इसको भी क्यों बचाए, इसको भी स्वाहा हो गया। एक आदमी बोला ये पागल ही है महात्मा। बोले डेली भगवान को बुला रहे हैं, भगवान जी आइए, भगवान जी आइए, भगवान जी आइए, दर्शन दीजिए, आज भगवान साक्षात हमारे घर में प्रकट हो गए अग्निदेव के। अब महात्मा जी ने वो बिस्तर धोला बोला, उठाया कपड़े चादर और वही अपनी कुटिया जो धू धू करके जल रही थी उसी में जा करके फेंक दिया, लो भगवान जी इसको भी ग्रहण कर, वो भी डाल दिया। अच्छा जिन्होंने मेहनत किया, कोई आदमी किसी के घर में आग लगे, बड़ी परिश्रम करके कपड़े वगैरह निकाले, जानवरों को निकाले, आदमी को बचाए, और दूसरा वही मकान मालिक बोले ये भी जलने दो, क्या होता है? आदमी को गुस्सा लगता है कि नहीं लगता? बोला गजब महात्मा पागल है क्या, बड़ी मुश्किल से हमने बचाया ये भी जला दिया। आज रात में जब ठंड लगेगी घर की छत तो जलाई गई है, बिस्तर भी नहीं है, क्या बिछाएगा, क्या ओढ़ेगा, क्या पहनेगा? रात की ठंड जब लगेगी तो कांपते कांपते सुबह होश होश जाने, कोई कुछ मत देना। सारे लोग चले गए, रात हो गई, मौसम ठंडा हुआ, शरीर अपना काम करेगा, ठंड के मौसम में ठंड तो लगनी है, महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, ठंड तो भैया हम लोगों को भी लगती है। वो तो क्या है, थोड़ा योग वगैरह करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ठंड लगती भी है तो लगने दो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं पहनते कपड़ा, अभी बद्रीनाथ में बर्फ गिर रही थी, ऐसे ही थे भयंकर बर्फ, खांसी हो गई, ठीक हो जाए। रात हो गई, सारे लोग अपने अपने घर, महात्मा जी ठंड में ठिठुरते रहे, भगवान प्रकट हो गए, महात्मा जी को मखमल की चादर उड़ा डाला, मखमल का गद्दा, रातों रात महात्मा जी का झोपड़ा बन के तैयार। सुबह लोग जल्दी उठ के आए महात्मा को देखने के लिए, तो देखा भाई महात्मा जी तो बढ़िया मखमल के रजाई गद्दे में सो रहे हैं, झोपड़ा भी तैयार। लोगों ने कहा महात्मा जी ये कहां से रातों रात झोपड़ा, तो कहने लग गए ये झोपड़ा जिसने लिया था उसने बना के दे दिया, जिसने पुराने बिस्तर ले लिया था उन्होंने नया बिस्तर ला के दे दिया। गांव के 2-4 बुद्धिमान आदमियों ने कहा महात्मा जी थोड़ी हम पर भी दया कर दो, हमारा भी झोपड़ा कई दिनों से बन नहीं रहा, थोड़ा हमारा भी बन जाए, अपने भगवान को बोल दो। महात्मा जी ने बोला फिर लगाया झोपड़े में भी आया। अपना झोपड़ा जलाओ तो भगवान, हिम्मत है कोई अपना घर जलाए? इसका मतलब ये नहीं कि आज घर में जाकर के किरासिन तेल मिट्टी तेल डाल के झोपड़ा जला देना, वो संत का भाव था, उन महात्मा का भाव था, वो उनके भाव के कारण कि भगवान को बुला रहे हैं।
और भगवान के उस भाव के कारण भगवान ने उनका कौन जलाएगा, तेरा तीज को अर्पण क्या लागे मेरा, ये बड़ा भाव। हम लोग अक्सर एक भजन गाते